नमस्कार, स्वागत आपका नादी टीवी के इस बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं पूनम। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की खबर के साथ। इस वक्त की खबर हमें मिल रही है प्रयागराज से। यूपी बोर्ड 10वीं की परीक्षा का परिणाम घोषित होने वाला है। माध्यमिक शिक्षा परिषद ने जारी किया है रिजल्ट। upmsp.edu.in और uprezults.nic.in पर रिजल्ट देखें। बोर्ड की वेबसाइट पर भी 10वीं का परीक्षा परिणाम का रिजल्ट आप देख सकते हैं। 10वीं में 88.18% छात्र छात्राएं पास हुए हैं। 10वीं में परीक्षा में 91.69% छात्राएं पास हुई है। 10वीं की परीक्षा में 85.25% छात्र पास हुए हैं। यूपी 10वीं बोर्ड परीक्षा में छात्राओं ने बाजी मारी है। कानपुर की प्रिंस पटेल ने 10वीं में टॉप किया है। मुरादाबाद की संस्कृति ठाकुर का दूसरा स्थान है। कन्नौज के अनिकेत शर्मा का तीसरा स्थान है। कानपुर की पलक अवस्थी को चौथा स्थान मिला है। प्रयागराज की आस्था सिंह को भी चौथा स्थान मिला है। सीतापुर की एकता वर्मा का प्रदेश में पांचवा स्थान है। रायबरेली के अथर्व श्रीवास्तव का भी पांचवा स्थान है। कानपुर की नैन्सी वर्मा, प्रांशी द्विवेदी का भी पांचवा स्थान है। यूपी बोर्ड 10वीं की परीक्षा का परिणाम घोषित हो गया है। माध्यमिक शिक्षा परिषद ने रिजल्ट जारी किया है। प्रयागराज से खबर आपको बता रहे हैं। यूपी बोर्ड की 10वीं की परीक्षा का परिणाम घोषित हो गया है। माध्यमिक शिक्षा परिषद ने रिजल्ट जारी किया है। परीक्षा परिणाम घोषित हो गया है। upmsp.edu.in और uprezults.nic.in पर रिजल्ट देख सकते हैं। बोर्ड की वेबसाइट पर 10वीं की परीक्षा का रिजल्ट घोषित कर दिया गया है। 10वीं में 88.18% छात्र छात्राएं पास हुए हैं। कानपुर की पलक अवस्थी को चौथा स्थान मिला है। दसवीं के बोर्ड का परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया गया है। बोर्ड की वेबसाइट पर 10वीं का रिजल्ट देख सकते हैं। 10वीं में 88.18% छात्र छात्राएं पास हुए हैं। 10वीं की परीक्षा में 91.69% छात्राएं पास हुई हैं। प्रयागराज से ये खबर आपको बता रहे हैं। यूपी बोर्ड की परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया गया है।
और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अश्विनी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अश्विनी, यूपी बोर्ड की 10वीं का परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया गया है, छात्र काफी बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे, अब रिजल्ट आ गए हैं, किस प्रकार जो है किस प्रकार का रिजल्ट रहा, कितना प्रतिशत छात्र छात्राओं का रिजल्ट रहा और क्या छात्रों के अनुरूप रिजल्ट आया है उनका इस बार? के बाद ये पहला परीक्षा था जो पूरी तरीके से सारे पेपर कराए गए थे और जिस तरीके से सरकार का एक दावा था कि फ्री और फेयर जो एग्जाम होगा वो कराया जाएगा और उसके अनुरूप अगर हम बात करें रिजल्ट जो नतीजे हाई स्कूल में घोषित हुए हैं इसमें लगभग 88% जो छात्र छात्राएं हैं वो पास हुए हैं। इसमें भी अगर हम बात करें लड़कियों की, लड़कियों ने फिर बाजी मारी है, लगभग 91% जो लड़कियां हैं वो हाई स्कूल में पास हुई है, वही लगभग 85% जो छात्र है जो लड़के हैं वो इसमें पास हुए हैं। तो कुल मिला जुला कर एक बार फिर इस परीक्षा परिणाम में लड़कियों ने बाजी मार ली है। हालांकि जो टॉपर है वो पीयूष पटेल है कानपुर नगर से, उन्होंने टॉप किया है हाईस्कूल में। उसके बाद अगर हम बात करें सेकेंड टॉपर की या थर्ड टॉपर की तो तीसरा लड़कियों के पास है वो लगा, अगर हम बात करें कानपुर नगर की है वो उसको टॉप किया। उसके बाद अगर हम सेकेंड टॉपर की बात करें तो सेकेंड टॉपर अभी कानपुर नगर से कुशवाहा, उसके बाद आस्था वो पास। कहीं ना कहीं जो एक अनुमान लगाया जाता है कि एक बेहतर रिजल्ट आया देखने को मिलेगा और जिस तरीके से बच्चों ने तैयारी की थी कोविड काल में, हालांकि कुछ पढ़ाई नहीं हो पाई थी लेकिन ऑनलाइन क्लासेज और जो तमाम तैयारियां थी उसके माध्यम से ये देखने को मिला कि बड़ी संख्या में उत्तर प्रदेश के जो परिणाम आए हाई स्कूल के उसमें छात्र जो छात्राएं हैं वो पास हुए हैं। हालांकि लड़कियों की अगर संख्या बात की जाए तो लड़कियां इस बार फिर बाजी मारी और लड़कों की अपेक्षा लड़कियों ने जो संख्या है वो ज्यादा है, वो ज्यादा प्रतिशत में लड़कियां पास होकर निकली हैं। अब से कुछ ही देर बाद जो है वो इंटरमीडिएट का भी परिणाम जो है वो घोषित हो जाएगा क्योंकि 4 बजे का समय दिया गया है और 3 बज रहे हैं, तो उसी लगभग 1 घंटे बाद जो है इंटरमीडिएट का भी परिणाम आएगा। और जिस तरीके से सरकार के मंत्री जो है गुलाब नबी, उन्होंने भी आश्वासन दिया था कि एक बेहतर रिजल्ट आएगा, बेहतर आएगा निगरानी में जो की परीक्षा हुई थी और सीसीटीवी की निगरानी में ही कॉपियों की जो जांच है वो किया गया था, तो बहुत ही फेयर तरीके से पूरा परीक्षा कराने के बाद जो रिजल्ट है वो घोषित किया गया है और बड़ी संख्या में है। जी बिल्कुल अश्विनी, जो है छात्र छात्राएं काफी बेसब्री से अपने रिजल्ट का इंतजार करेंगे, अब जब रिजल्ट घोषित हुआ है किस प्रकार किसी छात्रों की जो है प्रतिक्रिया आपको वहां पर मिल पाई है, किन्हीं छात्रों से बात हो पाई है आपकी? बिल्कुल देखिए हमारी इससे पहले बच्चों से बात हुई है, वो काफी खुश है क्योंकि बेसब्री से इंतजार था। हाई स्कूल का जो रिजल्ट होता है उसका इंतजार होता है कि पहली बार वो परीक्षा में बैठते हैं और कुछ मानसिक दबाव भी रहता है, पहले जब फिर रिजल्ट नहीं आता उनके ऊपर एक मानसिक दबाव भी था कि कैसा रहेगा। हालांकि उनका ये भी कहना था कि पेपर तो उनका अच्छा हुआ था लेकिन कहीं ना कहीं डर था उनके मन में कि नंबर जो है कम आएंगे या ज्यादा आएंगे, तो वो अब डर दूर हो चुका है क्योंकि एक अच्छा रिजल्ट मिला है और बच्चे अच्छे नंबरों से पास हुए हैं। जो उम्मीदें थी उन उम्मीदों पर अपने पेरेंट्स के खड़े उतरे हैं, तो पेरेंट्स भी काफी खुश हैं बच्चों के साथ साथ कि एक अच्छा रिजल्ट मिला है, उनके बच्चे पास हुए हैं, बड़ी संख्या में लड़के लड़कियां इस बार पास हुई हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इस बार लड़कियां फिर बाजी मारी है क्योंकि 91% लड़कियां जो है वो आज के पास हुई, करीब 23 लाख जो चलिए। शुक्रिया अश्विनी इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो बिल्कुल यूपी बोर्ड का 10वीं का परीक्षा परिणाम जारी हो गया है, बोर्ड की वेबसाइट पर आप अपना रिजल्ट देख सकते हैं, इसके लिए साइट्स upmsp.edu.in और upresults.nic.in पर रिजल्ट देख सकते हैं। बोर्ड की वेबसाइट पर परीक्षा का रिजल्ट देखा जा सकता है, 10वीं में 88.18% छात्र छात्राएं पास हुए हैं।